अब इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं सबके बारे में आपको बता दूँ, उनका प्राइस बता दूँ, बट मैंने उनका यूज़ नहीं किया तो मुझे तो पता ही नहीं कि वो स्किन के लिए अच्छे हैं या फिर नहीं है। तो ये तो बेमतलब की बात हो गई। मैं सिर्फ उनके बारे में बात करूँगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका मैं यूज़ करती हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आखिर आप कौन सी ऐसी ट्रिक को फॉलो करके मेकअप प्रोडक्ट्स को अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। कैसा होता है कि जब भी मेकअप प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं तो वो हमारे स्किन टोन से मैच नहीं करता है, क्योंकि हमें वो छोटी सी टेक्निक नहीं पता होती है। तो चलो सारी चीज़ों को मैं आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमर के बारे में। तो मेरे पास देखो ये दो प्राइमर हैं, दोनों मेबेलिन के ही हैं। पहला जो प्राइमर है वो है ये मेबेलिन न्यूयॉर्क का मास्टर प्राइम बाय फेस स्टूडियो, एंड सेकंड है ये मास्टर प्राइम एंटी रेडनेस प्राइमर। देखो यार, मेरा फर्स्ट प्राइमर ये वाला है। मैंने पहली बार इस प्राइमर का यूज़ किया था। मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था कि प्राइमर कैसे परचेज़ करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए या फिर जो भी है। बट जब मैंने इसको लिया, इसका यूज़ किया, मुझे ये काफ़ी पसंद आ गया, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में ही ये पोर्स को भी कई हद तक ब्लर करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके भी रखता है केमिकल वाले मेकअप प्रोडक्ट से, हार्श प्रोडक्ट से। बट कुछ टाइम पहले की बात है, लॉकडाउन के कुछ टाइम पहले की बात है, ये ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा ये ख़त्म हो जाए उससे पहले मैं एक दूसरा प्राइमर परचेज़ कर लेती हूँ। तो जहाँ से मैं मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ करती हूँ, वहाँ मैं गई निव्यू से, और मैंने वहाँ पे ये वाला प्राइमर परचेज़ कर लिया। इस वजह से मैंने इसको लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार मतलब नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए ना कि ये प्रोडक्ट कैसा है, वो कैसा है। बट ये मेरी स्किन के लिए सही नहीं है, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगा। जिनके फेस पे मार्क होते हैं, रेड कलर के कोई निशान होते हैं, पिंपल्स के हो गए या फिर किसी भी चीज़ के, तो उनके लिए ये वाला प्राइमर सही रहेगा, क्योंकि एंटी रेडनेस प्राइमर है तो उसे ये अच्छी तरह से कंसील कर देगा। बट जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, मैं फिर से यही वाला अपना लूँगी, क्योंकि ये मुझे मेरे स्किन के लिए काफ़ी सही लगता है। तो यस, प्राइमर यही है मेरे पास दो अभी तक, जिनका मैंने यूज़ किया है या फिर यूज़ कर रही हूँ। अब बात करते हैं फाउंडेशन की। तो मेरे पास देखो पांच फाउंडेशन है, चार फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन है और एक पाउडर फाउंडेशन है। दो मेरे पास ये वाले हैं लिक्विड फाउंडेशन, दोनों मेबेलिन के ही हैं। एक है ये मेबेलिन फिटमी का मैट पोरलेस फाउंडेशन, एंड सेकेंड ये सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। जब मैंने ये वाला मैट पोरलेस फाउंडेशन लिया था ना, तो मैंने ये सोच के लिया था कि ऑयली स्किन है तो अगर ये वाला फाउंडेशन लूँगी तो अच्छा रहेगा स्किन के लिए। ये मेरे स्किन टोन से मैच नहीं करता है, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी वहाँ पे। मैंने चेक किया था, मैं जब भी कोई मेकअप प्रोडक्ट परचेज करती हूँ मैं चेक करती हूँ, पर आपको पता है जहाँ से हम मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं वहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि हमको वहाँ पे समझ में नहीं आता है। वहाँ पे तो देखने में यही लगता है कि हाँ यार स्किन टोन से मैच कर रहा है, बट घर पे आके पता चला कि नहीं, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कुछ टाइम तक मैंने इसका यूज़ किया, बट उसके बाद में मैंने फिर ये वाला फाउंडेशन परचेज कर लिया और मुझे ये दिख गया 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। तो मैंने सोचा ये वाला चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखती हूँ। इसमें जो मेरा शेड है वो सही है, और इसका शेड है 128 वार्म न्यूड, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब यार अगर हम इसका थोड़ा सा भी यूज़ कर देना तो थोड़ी सी क्वांटिटी में पूरा ये काम कर देता है, पूरी तरह से पूरा फेस पे अप्लाई हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास ये दोनों हैं। अगर आपकी देखो ऑयली स्किन है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको मैट में ही चाहिए तो आप ये वाला लेना, बट स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना। तो अभी तो फिलहाल मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा भी है। इसके साथ में मेरे पास ये यार्डले का फाउंडेशन है, ये शिमरी टाइप में है। इसका शेड क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि लिखा भी कहीं नहीं है। रात की पार्टीज़ में ऐसे फाउंडेशन सही रहते हैं जब आपको अपने फेस पर शाइन चाहिए होता है। साथ में मेरे पास ये लैक्मे का भी फाउंडेशन है छोटू सा। आपको पता है डेली यूज़ के लिए, मतलब अगर मार्केट जाना हुआ फिर से डेली यूज़ के लिए आपको मेकअप करना हुआ तो ये वाले फाउंडेशन काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि सस्ते रहते हैं। तो यस, ये वाला मेरे पास फाउंडेशन है। वैसे एक प्रॉब्लम है इस फाउंडेशन में कि इसमें ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है, बट हाँ मेरे शेड के अकॉर्डिंग तो है, आप अपना देख लेना। इसके अलावा मेरे पास जो पांचवा फाउंडेशन है वो पाउडर फाउंडेशन है, और ये मेबेलिन का है। ये मुझे बहुत पसंद आया। देखो पाउडर फाउंडेशन की खासियत ही होती है कि वो पोर्स को वाकई में अच्छी तरह से पूरा ब्लर कर देते हैं, और इसमें भी आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो आप उस हिसाब से परचेज़ कर लेना, वाकई में ये काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कंसीलर के बारे में। तो यार मेरे पास ये दो कंसीलर हैं मेबेलिन के ही हैं। एक है ये एज डिवाइन कंसीलर, एंड सेकंड है ये फिट मी कंसीलर। ये वाला जो एज डिवाइन कंसीलर है ये अच्छा तो बहुत ज़्यादा है, मुझे मतलब इसलिए पसंद है क्योंकि वाकई में ये फेस पे जो भी मार्क होते हैं उनको अच्छी तरह से ये हाइड करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है मेरे स्किन टोन से। एंड ये जो फिट मी वाला कंसीलर है ये भी काफ़ी अच्छा है। इस टाइम मैं इस वाले कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मेरा शेड है हनी, जो कि थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से, बट हाँ काम चल जाता है, तो इस वजह से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब अगर कॉम्पैक्ट पाउडर की बात करें तो देखो मेरे पास एक ही मेबेलिन का एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, और यही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें मेरा शेड है 222 ट्रू बेज, और ये काफ़ी अच्छा है, मैट पोरलेस है,
तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे, तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इसको परचेज़ कर लेना। अच्छा खैर ये काफ़ी ज़्यादा है और मैं इसका यूज़ भी करती हूँ जब भी मेकअप करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये मेबिलिन का मास्टर फिक्सर भी है मेकअप को फिक्स करने के लिए। ये पाउडर फॉर्म में है जो कि वाइट कलर का है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं ना उनके लिए सही रहेगा, बाकी मेरे स्किन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ मतलब तो फेस फिर ब्लैक लगने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बस मैं यूज़ करती हूँ कि हाँ मेकअप को सेट कर दे बट फेस को ख़राब ना करे। तो यस ये वाला मेकअप फिक्सर है मेरे पास। इसके बाद आते हैं ब्लश पे, तो एक ही ब्लश है जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली एक दो साल हो गए मुझे लग रहा है। और इसने मेरा शेड है वाइन मेबिलिन का ही है ब्लश, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी चुके हैं आजकल तुम ब्लश कौन सा यूज़ करती हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला ब्लश है वाइन शेड है, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं। और नेक्स्ट मैं जब लूँगी तो मैं दूसरा शेड लूँगी कुछ ऑरेंज टाइप में, क्योंकि मेरा मन है वो बहुत टाइम से लेने का। चलो अब बात करते हैं हाईलाइटर के बारे में। तो मेरे पास ये दो मेबिलिन के हाईलाइटर है, एक है ये मेबिलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो एंड सेकेंड ये डुअ स्टिक वाला है। ये डुअ स्टिक वाले में देखो एक तो कॉन्टोर है साथ में इसके हाईलाइटर है, तो कॉन्टोर का मैंने शुरू शुरू में शौक में यूज़ किया था बट अभी नहीं करती क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगता है। बट इसका हाईलाइटर मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं मेकअप करती हूँ, इसका मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप के लिए वीडियोस शूट करती हूँ क्योंकि काफ़ी ब्राइट कलर है और अच्छा भी हाईलाइटर है। तो ये दोनों हाईलाइटर है जिनका मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा देखो मेरे पास जो आईब्रो पेंसिल है वो ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है, काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था, ब्राउन शेड है इसका और मैं डेली इसका यूज़ करती हूँ मतलब जब भी मेकअप करती हूँ, और काफ़ी अच्छी है। 75 की मैंने इसको परचेज़ की थी, ये चीज़ मुझे अभी तक याद है। इसके बाद में आँखों पर आ जाते हैं, तो आँखों पर अप्लाई करने के लिए देखो मेरे पास तीन काजल हैं, दो लिक्विड लाइनर हैं और एक जेल आईलाइनर है और मस्कारा है। तो मैं पहले आपको काजल के बारे में बताती हूँ। एक है ये नायका का काजल, ऑनलाइन परचेज़ किया था। सेकंड ये प्लम का काजल, इन्होंने मुझे ऐसा गिफ्ट भेजा था। और ये जो पैक का काजल है इसको भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। एक ही मेरे पास मेबिलिन का ये जेल लाइनर और दूसरा है ये लिक्विड लाइनर। तीसरा जो आईलाइनर मेरे पास है वो ये लैक्मे का आईलाइनर, ये गोल्डन कलर का है। मस्कारा मेरे पास ये मेबिलिन का है और ये मस्कारा अभी तक का मुझे बेस्ट मस्कारा लगा है। अगर आपने इसको लगाया एक बार, एक ही कोट आप लगाओ बट ये दो तीन दिन तक नहीं छूटते अगर आप इसको सही से रिमूव नहीं करते हो। अब बात करते हैं आई शेडो के बारे में। तो मेरे पास देखो तीन पैलेट हैं आई शेडो के, एक तो मेबिलिन का है, दूसरा मेकअप रेवोल्यूशन का और तीसरा पता नहीं किस ब्रांड का है, बस ऐसे ही ले लिया था मैंने कहीं से। वैसे सबसे पहले मैंने इसी आई शेडो पैलेट को परचेज किया था, अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि यही वाला पैलेट आपको मेबिलिन में भी मिल जाएगा, मतलब सेम सारे शेड यही रहेंगे बट वो ब्रांड मेबिलिन की होगी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब अगर इस मेबिलिन वाले आई शेडो पैलेट की बात करें तो इसमें सारे न्यूड शेड ही हैं। मैंने जब इसको परचेज़ किया था तो इसीलिए लिया था कि मैं डार्क कलर नहीं लूँगी, बस शिमरी शेड ही अपनी आंखों पे अप्लाई करूँगी। इसके अलावा मैंने ये जो मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसके शेड्स बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, येलो भी है, ब्राउन है, ग्रीन है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ इसी आई शेडो पैलेट का। आपने देखा होगा जब कभी भी मैं मेकअप के वीडियोज़ शूट करती हूँ तो यही वाले आई शेडो पैलेट का यूज़ करती हूँ क्योंकि कलर अच्छे हैं और अच्छे लगते हैं आंखों पे अप्लाई करने में। अब मैं फाइनली आपको बताती हूँ कि आखिर आप कैसे मेकअप प्रोडक्ट्स को अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो, वो ट्रिक कौन सी है। तो देखो आपको करना ये, आपने फाउंडेशन लिया और अपने जॉ लाइन के पास में अप्लाई करके देखा। लोग कहते हैं यहाँ रिस्ट के पास में अप्लाई करके देखना चाहिए, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ की स्किन फेयर रहती है, यहाँ की उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो आप अपने जॉ लाइन पे अप्लाई करना तभी आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा। तो ये सही था मेरा मेकअप कलेक्शन का वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।